आज के इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो वैसे वास्तविकता में जैसे योग है, योग जो शब्द है, योग शब्द का मतलब क्या होता है? हम लोग सिर्फ योग को इसीलिए इसी तरीके से जानते हैं कि जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित है ना योग की, जो आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सब योग होता है। लेकिन वास्तविकता में योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये संस्कृत के युज एक धातु होती है, उससे बना है। तो युज का मतलब होता है जोड़ना। परंतु भगवत गीता में ये जो योग है उसका मतलब है किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। तो अब कर्म योग का मतलब क्या हो गया कि कर्म के माध्यम से कैसे हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो कर्म जो कि हमें भगवान से जोड़े वो कहलाते हैं कर्म योग। वो पूरा सारे जो भी कर्म हम लोग करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए वो होते हैं कर्म योग। तो देखते हैं इसमें भगवान क्या बताते हैं, क्योंकि ये सबसे फेमस है। सारे लोग भगवत गीता को कर्म योग के माध्यम से ही जानते हैं कि हाँ भगवत गीता में कर्म योग ही है और कुछ नहीं है। लेकिन आज देखिए कि आज क्या बताते हैं भगवान, वास्तव में कर्म योग क्या है ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे लिखा है कर्म प्लस योग। कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। तो कर्म योग का हम जो अभी देखे कि ऐसा काम करना जो कि किसकी खुशी के लिए करें, हम भगवान की खुशी के लिए उनकी सेवा में करें, वो कार्य कहलाते हैं कर्म योग। अब आप लोगों ने देखा होगा कितने प्रकार के कर्म होते हैं। तो अच्छे कर्म होते हैं, तो पुण्य कर्म हो गए, एक हो गए पाप कर्म। ठीक है, तो अच्छे कर्म आप लोग जानते हैं जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, भलाई करते हैं लोगों की, लोगों की सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ठीक है, जो भूखा है उसको खाना खिलाएंगे, जो गरीब है उसको पैसा देंगे। ठीक है, वो हो गए अच्छे कर्म, है ना। और बुरे कर्म क्या हो गया कि धोखाधड़ी करना, किसी के साथ में छल करना, कपट करना, ये बुरे कर्म हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति है वो 10 अच्छे कर्म कर रहा है और 10 बुरे कर्म कर रहा है, तो क्या उनके दोनों के उसके कर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे? ऐसा है, संभव है? मान लो अगर मैं ही हूं, अगर मैंने 10 अच्छे कर्म कर लिए और 10 बुरे कर्म किए हैं, मान लो अब मैं 10 बुरे कर्म को कैसे बैलेंस करूंगा? तो मैं 10 अच्छे कर्म कर लेता हूँ, तो क्या बैलेंस हो जाएगा? ओके, हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छाई किस रास्ते माता चलते जी, हैं? सिर्फ बैलेंस होगा या नहीं आप ये नहीं बताइए। होगा, नहीं बहुत होगा। बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जैसे माता जी ने बताया, और चेक बॉक्स में ही बहुत सारे नहीं आए, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो देखिए, हर एक जो अच्छे कर्म है उनका रिजल्ट जो है वो सेपरेट है, और जो बुरे कर्म है उनका भी रिजल्ट जो है सेपरेट है। कभी भी हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते, ऐसे में तो फिर किसी को कुछ सजा मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का, हर दोनों कर्मों का जो है रिजल्ट अलग होता है। एक और मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमसे बुरे कार्य हुए हैं, हमने पाप कर्म किए हैं, ये हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? ओके, हरे कृष्णा माता जी, आप बताना चाहेंगे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने पाप कर्म किए हैं इस संसार में? हमारी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर हम लोग कर्मों के माध्यम से देखें तो अपने रहन नहीं सहन है, के हम माध्यम, रहन सहन भी, हम जो है जीवन में अगर सही रास्ते पे जाएंगे तो मन में बिल्कुल सुकून मिलेगा। जैसे और हमें यदि हम तो गलती मनुष्य योनि करते मिली हैं, है और जानवर तो जानवर है, तो भी नहीं, हमको सुकून नहीं मिलेगा। रात को चिंता जी सताती रहेगी कि हमने जी काम गलत किया है, और जी वो हमको हमारे को एक पीछे की तरफ खींचेगा। ओके माता जी, ठीक है। शालिनी माता जी आपको बताना चाहेंगी। हाँ प्रभु जी, है कि हम जब गलत कर्म कर ले तो हमारी अंतरात्मा उस चीज को, हम एक बार कर भी लेंगे तो वो हमारी अंतरात्मा नहीं, में अभी हमको एहसास कैसे रखने होगा लगी कि हम लोगों ने पाप कर्म है। किए हैं या नहीं किए हैं? ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ है, देखते हैं हम लोग। कभी कभी हमें फील हो जाता है अंतर, ओके, अंतर मन से, मन में ग्लानि रहेगी। तो जी बोल रहे, एक ऐसा कर्म जिससे हमें दूसरों को कष्ट पहुंचाने को बुरा कर्म होगा। ओके, और कभी कभी बुरे कर्म करने की सजा भी हमें मिल जाती है। ओके ठीक है। तो माता जी, वॉइस तो मैं वैसे भी शायद सारे लोगों को क्लियर है, तो आप एक एक एक
आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो देखिए, जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पाप कर्म किए हैं या नहीं किए, इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे जन्म मिला है, यही हमारे लिए पाप कर्म है। क्योंकि जब तक हम लोग इस जन्म मृत्यु में चक्र में हम लोग घूमते रहेंगे ना, एक तरीके से वो पाप कर्म ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब तक इस संसार से, ये जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाते, जब तक हम लोग क्या है, एक तरीके से पाप ही कर रहे हैं। तभी तो हमको अलग अलग जो है जन्म लेना पड़ रहा है हमारा। हमने कहीं पुण्य कर्म किए होंगे इसलिए हमको मनुष्य जोनी मिल गई है, लेकिन पता नहीं हमने कब कब किए, कैसे किए, नहीं पता ना हम लोग को। तो इसलिए यानी हम पाप कर्म कर रहे हैं, कर रखे हैं हमने पुराने अपने टाइम पे, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर इससे निकलना चाहें तो वो कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम लोग कर्मों से जुड़ सकते हैं। सपोज मैं अगर मान लू कि मेरे कोई कर्म नहीं किए, मैंने मतलब कोई बुरे कर्म नहीं किए और सिर्फ मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूँ या क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है? मैं सिर्फ पुण्य कर्म कर रहा हूँ, पाप कर्म कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे इस संसार से मोक्ष मिल जाएगा? आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तुम्हें। बिल्कुल, नैना माता जी बोल रही है नहीं, और सुधीर प्रभु जी भी बोल रहे हैं नहीं, अच्छा नीति माता जी बोल रही है ओके यस ठीक है, सरिता माता जी भी बोल रही है नहीं ओके ठीक है, तो मैक्सिमम नहीं है, एक ही है यस ओके, तो माता जी अभी ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है कि हम लोग कितने भी पाप पुण्य कर्म कर ले, हमें क्या होगा, हमें इससे संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हर एक, वो आगे पता चलेगा, हर एक कर्म का अपना एक क्या होता है, प्रारब्ध होता है, हर एक कर्म का एक अपना रिजल्ट होता है। लेकिन कैसे हम लोग को फिर मुक्ति मिल सकती है? तो इससे एक तीसरे कर्म होते हैं, वो है आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य क्या होते हैं? कृष्ण भावनामृत कर्म या आध्यात्मिक कर्म, ऐसे कर्म होते हैं जो कि हम किसके लिए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? भगवान की सेवा में करते हैं, ना कि अपने लिए करते हैं। ठीक है, तो जो भी कार्य हम लोग भगवान की सेवा में करेंगे, भगवान की खुशी के लिए करेंगे, वो किस कैसे कार्य होंगे? वो होंगे आध्यात्मिक कार्य। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग की, आप प्लीज चैट बॉक्स में आप कुछ भी, चैट में कुछ भी मत लिखिए, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि बार बार वो चैट सामने आ जाता है, सॉरी उसके लिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन है तो आप एंड में लिखिए, तो मैं देख पाऊंगा आसानी से। तो अब अर्जुन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्जुन का क्या डाउट है, अर्जुन का डाउट है ज्ञाय सी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तप तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए अर्जुन का ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि कल के अध्याय में क्या हुआ था, कल के अध्याय में भगवान ने एक तरीके से क्या दिया था, एक सारांश बताया था ना, एक समरी टाइप सारे सारी चीजें बताई थी। अब अर्जुन वो सब सारी चीजें सुना, उसमें से उनने सुना कि भगवान ने ये बोला था ना कि एक काम करो, तुम बुद्धि योग, पहले बुद्धि बुद्धि योग का सहारा लो। ठीक है, बुद्धि योग का सहारा लो मतलब कि नेहा कभी नाशो अस्ति प्रतवायनो विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मतया तुम है तो भया, भगवान ये बोले थे। तो तुम क्या करो, बुद्धि योग का सहारा लो। लेकिन फिर अंत में फिर क्या बोले कि नहीं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो खड़े हो और युद्ध करो, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम ये करो। अब वो इस चीज में उलझ गए कि मैं ज्ञान लू या फिर कर्म करूं, दोनों में से क्या करूं? अगर मैं ज्ञान लूंगा तो कर्म नहीं कर पाऊंगा, और कर्म करूंगा तो ज्ञान नहीं ले पाऊंगा, दोनों चीज कैसे कर पाऊंगा? इसमें वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए। आगे वो क्या बोलते हैं, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो। हम आपनुयाम, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक देशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने इतनी सारी चीजें बता दी, एकदम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे लिए है क्या, श्रेयस्कर क्या है। देखिए फिर से अर्जुन एक चीज पे जोर दे रहे हैं, क्या, कि श्रेयो अहम आपनुयाम, कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है वो बताइए, तद एकम, दोनों में से कोई एक चीज बताइए कि कौन से सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कौन सी चीज मैं करूं, क्या मैं ज्ञान में दूं या फिर भक्तिमय कार्य करूं, दोनों में से क्या करूं? या तो अभी भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगी न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अभी क्या बोल रहे हैं भगवान की, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है वो बाद में बताएंगे भगवान। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, दोनों से क्या होता है, तुम
दोनों से आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हो। लेकिन क्या बोला है भगवान ने कि ज्ञान योग से भी तुम पहुंच जाओगे, भक्तिमय सेवा से भी पहुंच जाओगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ज्ञान योग में सिर्फ ज्ञान हासिल होगा, लेकिन भक्तिमय सेवा में ज्ञान और कर्म दोनों ही क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ज्ञान रूपी कर्म हो जाते हैं, मतलब ज्ञान से कर्म जो है वो मिल जाते हैं, तो वो हो जाते हैं भक्ति योग। तो जब तक हम लोग ज्ञान में यानी कि नॉलेज में अपने कर्मों को नहीं जोड़ेंगे, तो क्योंकि कर्म हम लोग एक्शन कब कर पाएंगे, तो कर्म कब कर पाएंगे, जब हमें ज्ञान होगा। ठीक है, अगर बिना ज्ञान के हम लोग कर्म करेंगे तो वो क्या करते हैं, वैसे कर्म हमको बंधन बंधन बांध देते हैं इस संसार से। तो ज्ञान भी होना जरूरी है और कर्म तभी हमको कर पाएंगे। तो भक्तिमय सेवा क्या हो गया, तो ज्ञान हो गया हमारा जो नॉलेज हो गया, और कर्म में आता था सेवा। तो ये इसलिए दोनों मिलके क्या बन जाता है, भक्ति योग बन जाता है। तो इसलिए भगवान बोले दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, दोनों में से तुम किसी को भी अपना सकते हो। दोनों में से क्या सर्वश्रेष्ठ है वो आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे, लेकिन अभी इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे कि कर्म योग के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं। अब भगवान आगे उत्तर देते हैं कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, और वास्तव में बताएंगे कि क्या हम लोग को करना है और क्या नहीं करना है। न कर्मणाम आरंभ निष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव संसिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए अर्जुन का क्या था, अर्जुन क्या बोल रहा था कि वो कर्म नहीं करे, वो मतलब उसको युद्ध नहीं करना है, वो जाके एकांत में जाके जो है वो संन्यास लेके अपना जो है हरिनाम करेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो ना तो तुम सिर्फ कर्म करोगे तो उससे कर्म फल से छुटकारा पाके तुमको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और अगर तुम सिर्फ संन्यास भी ले लोगे तो भी तुमको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे, वो बोलोगे कि नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे, और तुम संन्यास भी ले लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो देखिए क्या होता है, ज्ञान योग का मतलब होता है जो लोग ज्ञान में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को आत्मा से आत्मा में स्थिर करते हैं, आत्मा में स्थिर करके संन्यास ले लेते हैं और सब कुछ छोड़ के वो क्या है एकांत में जाके तपस्या करने लगते हैं। परंतु प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात करता है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सब चीज क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कि हृदय की शुद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक संन्यास आपका विफल होगा, वो हमेशा सामाजिक व्यवस्था में क्या करेगा, उत्पात ही मचाएगा। यानी कि तो आपने कई बार देखा होगा व्यक्ति क्या करता है, अपने घर घर वालों से अपने परिवार वालों से परेशान होकर क्या है घर छोड़ के हिमालय चला जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग का पतन जो है वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि इनका हृदय शुद्ध नहीं है। ये क्या है, संसार से परेशान होके कहाँ गए, ये संन्यास लेने गए। बोलते ना कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते, ऐसा संन्यास बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। परंतु आगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसको बुद्धि योग बोला जाता है। तो नॉलेज से अगर हम लोग कार्य करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, तो वो क्या होगा, वो बुद्धि योग होगा और उसमें हमेशा वो उन्नति करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसके लिए कार्य करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सेवा में कार्य करेगा, ना कि अपने किसके अपनी सेवा अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य करेगा। अब आगे देखते हैं कि सन्यासी सन्यास के बारे में क्या बता रहे हैं भगवान। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि अगर मान लो जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, ठीक है, और वो अगर संन्यास ले लेता है तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोला जाता है मिथ्याचारी, उसको बोला जाता है पाखंडी। तो ऐसे लोग होते हैं कि आप देख रहे हैं इस फोटो में, ऐसे लोग होते हैं क्या करते हैं, ये परेशान हो जाते हैं घर बार से और ये छोड़ देते हैं सब कुछ अपना घर परिवार, और जाके जो है क्या है ऊपर से बाहरी आवरण से जो है क्या दिखते हैं वो सन्यासी दिखते हैं, लेकिन उनका मन जो है किसमें लगा रहता है, इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है। देखिए आप सिगरेट है हाथ में, मोबाइल फोन है, तो सन्यासी को ये सब चीजों का जरूरत ही नहीं होता,
ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक तरीके से मरकट संन्यास होता है। मरकट यानी होता है बंदर। आपने बंदर को देखा होगा, तो बंदर को हम लोग को देख के क्या लगता है कि ये एकदम त्यागी है, सन्यासी है ना, कपड़े पहनना, बस इधर से उधर भागते रहना, तो बाहरी आवरण से हम लोग को दिखता है, लेकिन क्या हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है, क्योंकि वो अपने इंद्रिय विषयों में इतना चिंतन, उसको खाने की लगी रहती है, उसके अंदर ये सब चीजें चलती रहती है कि खाना है, बस जो भी आप दो उसको खाएगा। तो वो मरकट संन्यास होता है। वो कैसा दिखता है, बाहरी आवरण से तो सन्यासी है, लेकिन अंदर से वो क्या है, वो अंदर से वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो कैसे होते हैं, वो पाखंडी कहलाते हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोग को बोला गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गृहस्थ होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सन्यासी से कहीं ज्यादा ऊपर है जो गृहस्थ होते हैं। तो हमारी जैसे गृहस्थ जो होते हैं, आजकल सभी अपने सबका घर परिवार है, तो हर किसी की ड्यूटी है अपने परिवार की सेवा करना, ठीक है, उन आपको ड्यूटी मिली है तो उस ड्यूटी को तुमको पूरा करना है। तो जो गृहस्थ आश्रम में है उसको कभी भी संन्यास नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कलयुग में संन्यास का कोई भी तरीके से नहीं बताया गया है कि आपको संन्यास लेना है। आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। देखिए वास्तव में हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, इस माया से लड़ना, और इससे हमको लड़ते रहना है, फिर हम लोग किसी भी आश्रम में क्यों ना रहे। तो अगर ऐसे आश्रम में जा रहे हैं बिना हृदय की शुद्धि से, अगर हम लोग संन्यास ले रहे हैं तो भी तो मतलब तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग वहां भी माया हम लोग पे हावी हो रही है और हम लोग उसमें कुछ उन्नति नहीं कर पा रहे। तो हमारा वास्तविक है कि माया से लड़ना है, और माया से हम लोग को किसी भी आश्रम में लड़ते रहना चाहिए। तो अगर सन्यासी नहीं बनते हैं तो गृहस्थ आश्रम में भी हमें क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है भगवान की सेवा, तो सारे घर को सारे परिवार को लेके क्या करें, भगवान की सेवा करना है। वही हमारा क्या है, मूल धर्म है, वही हमारा उद्देश्य, वही हमारा कर्तव्य है। जैसे किसी ने पूछा था ना कि हमारा वास्तविकता में उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, हम लोग भगवान के क्या अंश है, तो हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो हमें क्या है, किसी भी आश्रम में हम लोग क्यों ना रहे, हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या है कि बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था, और उन्होंने ही ये चीज हमें क्या बोली, उन्होंने क्या बोला है, स्थाने स्थित श्रुति गतम तनुवन मनोभी। वो बोलते हैं व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहकर भक्ति कर सकता है, उसका संन्यास लेना जरूरी नहीं है। तो सारे लोग का यही रहता है कि हमें संन्यास ले लेना तभी हमसे भक्ति होगी, बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी और इस पूरे भगवद गीता में भगवान जो है वो वैराग्य की कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं। सब लोग को लगता है कि जो भगवद गीता पढ़ेगा वो सब कुछ छोड़ देगा, अपना घर परिवार छोड़ देगा और एक जगह पे जाके जो है वो वैराग्य ले लेगा। वैराग्य की बात कर ही नहीं रहे भगवान, कर रहे हैं युक्त वैराग्य की बात कर रहे हैं। युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है, युक्त वैराग्य का मतलब होता है किसी को छोड़ना नहीं लेकिन सबको जोड़ना। आपने देखा होगा कि जो टेम्पल में जितने भी सन्यासी है वो कहाँ कहीं किसी हिमालय पे गए नहीं, गए उन्होंने क्या किया, युक्त वैराग्य, उन्होंने क्या किया, अपने आप को सन्यासी बना लिया और क्या करने लगे, भगवान का प्रचार करने लगे। वही उनका मेन उद्देश्य है कि सबको जो है वो कृष्ण भावना भावित बना दे, सभी को जो है वो भगवान की शरण में लेके आ जाए। तो एक सन्यासी का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो भगवान के नाम का प्रचार करे, ना कि एक कोने में जाके बैठ जाए, खुद सिद्धि प्राप्त कर ले तो वो कभी भी आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा उद्देश्य मेन है कि हमें सेवा करनी है, तो किसी भी आश्रम में हम लोग रह के सेवा कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबको जो सबको लेके सबको जोड़ के जो है सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक कहानी आती है भरत महाराज की। तो भरत महाराज क्या थे, भरत महाराज एक बहुत बड़े राजा थे। उनको भी एक समय पे आया कि अब मेरे से भक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतने राजपाट, इतने काम होते हैं, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ भक्ति, मैं क्या करूंगा, एकांत में जाके जो है फिर भगवान की भक्ति करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने राजपाट को अपने परिवार वालों को दे देते हैं और सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके कहाँ चले जाते हैं, एक आश्रम में चले जाते हैं, मतलब एक जंगल में चले जाते हैं, वहाँ एक कुटीर बनाते हैं और वहाँ पे जो बैठ के भजन करते हैं। अब एक समय होता है कि उनको एक हिरण का बच्चा मिल जाता है नहाते वक्त नदी पे, और वो हिरण से बच्चे से इतना आकर्षित हो जाते हैं कि वो अपना जो मूल कर्तव्य जिसके लिए वो आए थे संन्यास लिए, तो भूल जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके मन में अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन क्या था, चल रहा। तो ये संन्यास, ऐसा संन्यास क्या है, बिल्कुल भी विफल है, बिल्कुल भी सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम लोग निकले हैं वो कार्य करना हमारे अकेले के लिए असंभव है। इस कलयुग में इतने सारे डिस्ट्रेक्शन है कि हम लोग इतना आसानी से ये कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कलयुग के लिए क्या बोला गया, कलयुग में बोला गया साधु संग सर्व शास्त्रिक है, यानी कि सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि हमें साधु संग यानी भक्तों के संग में रहकर ही भक्ति करनी है, भक्तों के संग में रहकर ही भगवान की सेवा, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, ये सब करना है। ऐसे अगर हम लोग अकेले करेंगे तो हम एक ना एक दिन नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रेक्शन इतने हैं इस संसार कलयुग में कि हमें किसी एक चीज पे फोकस करने के लिए वो क्या करते हैं, रोक देते हैं।
तो अब देखते हैं आगे भगवान क्या बता रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अभी हम लोगों ने देखा ना कि पाप कर्म, कुछ समय पहले हम लोगों ने ये देखा था कि पुण्य कर्म करने से क्या हमको वापस से ये अच्छा जन्म मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसका जवाब भगवान इसमें दे रहे हैं कि अभी कि क्यों हम लोग भक्तिमय कार्य करें। मैं पुण्य कर्म कर तो रहा हूँ, भक्तिमय कार्य क्यों करूँ, उसका क्या है, उसका मतलब लक्ष्य क्या है, क्यों करूं मैं भक्तिमय कार्य। उसका जवाब में भगवान बोलते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनावहित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इसी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए क्या है कि अगर कोई पाप कर रहा है, ठीक है, तो पाप के क्या होते हैं, बुरे फल होते हैं। कोई पुण्य कर रहा है तो उसके क्या फल होते हैं, उसके अच्छे फल होते हैं। अब अगर कोई पाप करता है, उसके बुरे फल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अगला जन्म मिलता है। ठीक है, तो अगर बुरे कर्म मिला तो उसको क्या है, मनुष्य योनि से नीचे नीचे की योनि जो है उसमें जन्म मिलेगा, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ऐसे। लेकिन अगर उसने पुण्य कर्म किए तो उसको उच्च योनि में जन्म मिलेगा, या तो वो देवता बन जाएगा या फिर वापस मनुष्य बन जाएगा भैया, तो वो या तो नरक जाता है या तो वो स्वर्ग जाता है। लेकिन जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। और हमें बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि अगर हम लोग बंधन में बंधे रहेंगे तो ये जन्म मृत्यु में हम लोग क्या है, घूमते रहेंगे। हमें इस कर्म बंधन से छुटकारा पाना है, और वो कैसे पा सकते हैं, तब हम लोग किसके लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए जब कार्य करेंगे तब हम लोग कर्मों के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान को कोई भी कर्म नहीं लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवान अगले अध्याय में, चौथे अध्याय में करेंगे कि भगवान सारे कर्म फलों से, सारे सारे कर्मों से मुक्त होते हैं। तो जब हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे जो खुद मुक्त है, तो हम भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, किससे, इन बंधनों से। और जब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हम सीधा भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। तो अब बात आती है, तो हम लोग कैसे इन बंधनों से मुक्त हो, तो हमें क्या करना है। देखिए, सबका क्या मानना है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है। लेकिन चलो हम लोग मान लेते हैं कर्म ही पूजा है, सब वैसे तो पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि कर्म ही पूजा है। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर देखें, तो अगर चोर बोलता है उसकी उसका कर्म है चोरी करना, तो उसके लिए पूजा हो गया, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ये एकदम प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है। वास्तव में कौन से कर्म पूजा है ये कोई नहीं बताता। तो वो कर्म पूजा है जो हम लोग भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं, वो कर्म पूजा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे पाप कर्म तो हम लोग को करना ही नहीं है, क्योंकि उसके प्रारब्ध हम लोग को बहुत बुरे फल मिलेंगे, उसके प्रारब्ध बहुत गलत है, हम लोग को ऐसे झेलना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, नीचे की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, तो उसको तो हटा ही दीजिए। अगर आप पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो उन पुण्य कर्म को अपने लिए ना करके भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा में अगर करते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका कृष्ण भावना बाहित कर्म हो जाता है, आध्यात्मिक कार्य हो जाता है। और जब आध्यात्मिक कार्य हम लोग करते हैं, तो वो हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देता है। तो यही चीज प्रभुपाद जी भी यहाँ बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, तो आप उदाहरण से हम लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये एक तरीके से ये जो फोटो दिखा रहे हैं, इसमें युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक चीज आ रही थी कि वो किसको हेड बनाए, कि वो किसको ये यज्ञ को अर्पित करेंगे अंत में। तो उनको पता नहीं चल रहा था वो किसको बनाए, तो नारद मुनि से उन्होंने पूछा किसको बनाए, तो बोले कि आपके पास तो साक्षात सर्वोच्च व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण है, आप उनको बनाइए। तो अब देखिए वो सक्सेस हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना यज्ञ किसको अर्पित कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया। तो इस तरीके से हमें भी क्या है, अपने सारे कार्यों को करना है। लेकिन कैसे करें, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति को गाने का शौक है, तो क्या कर सकता है, भगवान को अगर अर्पित करते हुए गाएगा तो वो कीर्तन कर सकता है भगवान के, कि भगवान के कीर्तन करेगा, तो वो शायद उसको अपने टैलेंट को यूज कर रहा है सही जगह पे, ये अब भगवान के लिए कार्य हो गया। खाने बनाने का शौक है, तो भगवान के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकता है, जिससे कि भगवान को अर्पण करके वो फिर खाने का शौक है, तो वो प्रसाद भगवान का ग्रहण कर सकता है। तो ये सब सेवा हो गई एक तरीके से, हम लोग क्या दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, कोई मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो अगर भगवान के लिए करता है तो वो तपस्या बन जाती है।
है, अगर भगवान की कृपा की बातचीत अगर करता है, भगवान से कृपा मतलब भगवान के बारे में अगर कोई बातचीत कर रहा है, भगवान के बारे में बता रहा है, तो वो कथा बन जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें सेवा करनी है। हम लोग को ढूंढना है कि हम लोग कैसे अपने कार्य को भगवान के लिए लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे भरत महाराज, जो रामायण में क्या हुआ था, जैसे ही भरत महाराज को पता चला कि राम जी वनवास चले गए हैं, तो अब उनको उनके और उनको ऐसा लगा कि उनके लिए गए हैं कि हाँ तुम राजा बन जाओगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो गए चित्रकूट, वहां से क्या लेके आए, वहां से वो चरण पादुकाएं लेके आए, और उनको जो है उन्होंने किस पे बताया, राज गद्दी पे बिठाया, और वो उसके अधीन उसके अंडर में काम कर रहे थे। तो उन्होंने पूरे राज्य को किसको समर्पित कर दिया, भगवान को, और फिर जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें भी ये अपने जो नियत कर्म होते हैं उनको हम लोग कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये सोच के हमें काम करना है, जिससे कि हम लोग क्या हो सके, बंधनों से मुक्त हो सके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस बोले तो जो यज्ञ होता है, मतलब कि यज्ञ का जो साइकिल होता है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यात् सम पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ पर यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यह यज्ञ नियत कर्मों से संपन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे ये साइकिल है, ये पूरा साइकिल है, इसको बोलते हैं यज्ञ का चक्र, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। तो ये कैसा चक्र है, हम लोग किस पे आश्रित हैं, इस अन्न पे, भोजन पे, ठीक है। ये भोजन कहाँ से आता है, भोजन आता है जब वर्षा होती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों को क्लियर है कि हाँ वर्षा होगी तभी भोजन आएगा, लेकिन वर्षा कब होगी, जब हम लोग यज्ञ करेंगे, ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे। और यज्ञ कब होंगे, जब हम लोग नियत कर्म करेंगे, किसके 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 अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। शास्त्रों के आधार पर अगर हम लोग अपने नियत कर्मों को करते हैं, तभी क्या होगी, तभी हम लोग तभी वर्षा होगी। अब शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है। तो आप देखिए पूरा सर्कल में हम लोग कहाँ आ रहे हैं, वापिस से भगवान पे। तो हम लोग इनडायरेक्टली देखा जाए तो किस पे डिपेंडेंट है, भगवान पे डिपेंडेंट। इसलिए हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करने चाहिए, इससे क्या होगा कि हम कर्मों के सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब इसका उदाहरण दिया है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, भगवान खुद उदाहरण दे रहे हैं। यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते कर सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ देखिए इस श्लोक से हम लोग को क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग कैसे भोजन खा सकते हैं, कैसे हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी खाना बनाते हैं उसको क्या करें, भगवान को सात्विक सात्विक भोजन, ऐसा नहीं कि हर कोई भोजन बना दिया और भगवान को अर्पित कर दिया और हमने बोला कि हाँ चलो भगवान ने इसको प्रसाद बना दिया, ऐसा नहीं है। सात्विक भोजन, उसको अगर हम लोग भगवान को अर्पित करेंगे तो वो क्या होगा, भोग लगेगा। और जब भगवान, जब वो हम लोग वापिस से उसको हम लोग उसका सेवन करेंगे, तो वो क्या होगा, सेवा प्रसाद होगा। तो देखिए जो भी चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं, वो एक तरीके से हमारी तरफ से सेवा होती है, और जो हमें बदले में भगवान देते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से भगवान की कृपा होती है। तो हम लोग जितना भी इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। आउटपुट में हमको भगवान क्या दे रहे हैं, सब कुछ सेवा दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। तो जो भी हम, जैसे अगर आप भोग लगा रहे हैं, तो भोग लगा रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हो एक तरीके से। आपने भोजन बनाया भगवान के लिए और आपने भोग लगा दिया, तो आपने सेवा की, और जो प्रसाद हमको मिला है वो क्या हो गया, एक तरीके से भगवान की कृपा है उसमें। अब वो साधारण भोजन नहीं है, वो क्या है, वो कृपा है। तो प्रसाद एक तरीके से क्या है, भगवान की कृपा है। और अगर हम लोग वो खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो हमारा जो है मन, हमारा जो चेतना है, हमारी जो है शुद्ध होती है, और फिर हम जो है भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में धीरे धीरे और ज्यादा प्रगति करने में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम एक यज्ञ कौन से करें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है ना कि कैसे यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ तो बहुत सारे होते हैं, और देखिए यज्ञ के बारे में बताया भी है। यज्ञ क्या है, चौथे चैप्टर में भगवान बताते हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा पर ये स्वाध्याय यज्ञ यज्ञ यथा संसितावृत। तो द्रव्य यज्ञ होता है, तपो यज्ञ होता है, स्वाध्याय यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, हम लोग कौन सा यज्ञ करें। तो अब वो जानने से पहले आप लोगों में से कोई जानता है कि ये फोटो में जो दिख रहे हैं ये कौन है, अगर जानते तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण शालिनी माता जी, जी माता जी आप अनम्यूट करिए अपने आपको। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी,
ये गुरु जी जो चित्र है जी, ये चैतन्य महाप्रभु हैं और वो राधा रानी का रूप उसी में शामिल है और अलग से भी राधा वो है गजाधर हैं। ओके और जी प्रभु ये जी, जो अपन मंत्र पढ़ते हैं जी, वो जी, इन्हीं जी, के जी, लिए याद करते हुए मंत्र पढ़ते हैं ओके बहुत बहुत जब माला धन्यवाद के पहले। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का फोटो है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैट बॉक्स में ही बहुत सारे आए हैं, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर है। देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो है वो मिश्रित रूप है। जो बोला जाता है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो भगवान जो है वो भक्त के भाव में आए थे। उनको एक दिन ऐसा लगा कि उनके भक्त का भाव कैसा होता है वो जानना चाह रहे थे, तो वो भक्त के भाव में जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रकट हुए। तो इस कलयुग में हमारा सौभाग्य है कि भगवान दो बार प्रकट हो गए, पहली बार तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अब जब कलयुग का अंत आएगा तब कल्कि के रूप में। तो कलयुग में भगवान के दो अवतार हुए, एक तो चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जितने लोग कौन से जुड़े हुए हैं वो सब जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल में है वहां पे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सारे लोग इतने नहीं जानते। हम लोग भी, मैं मतलब मैं अपनी भी बताऊंगा तो मैं भी नहीं जानता था, मैं भी जब से इसमें जुड़ा हूँ तभी मैं जान पाया हूँ। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ हम लोग जो देख रहे हैं ये किसने स्टार्ट किया है? ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। इनका भगवान जब यहाँ प्रकट हुए तो किसी कारण से प्रकट होते हैं, तो इस ये जो अवतार लेने का कारण था वो क्या था? हरिनाम को बांटने का कारण था, संकीर्तन यज्ञ का जो है देने का कारण था। अब देखिए ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि कलयुग के लिए क्या है, कलयुग के लिए ये जो यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये अलग अलग तरीके के यज्ञ जो होते हैं ये संभव नहीं है कलयुग के लिए। जैसे कलयुग में अगर जैसे द्रव्य यज्ञ की बात करूं, मैं अगर द्रव्य यज्ञ की बात करूं तो द्रव्य में क्या होता है, हम लोग को सामग्री डालनी होती है, स्वाहा जो सवन सामग्री होती है। अब जब द्रव्य यज्ञ को अगर आप शास्त्रों में देखने जाएंगे तो उसमें इतने सारे, उसमें वो चीजें लिखी है कि सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, गाय के दूध से बना घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, जो ब्राह्मण है वो संस्कृत में निपुण होना चाहिए, उसके जो उच्चारण है वो इतने स्पष्ट होने चाहिए। आप आज के इसमें इतना प्योर, इतना परफेक्ट कुछ है ही नहीं, तो हमारे लिए वो करना एक तरीके से क्या हो गया, अपराध हो गया, कि हम लोग गलत तरीके से कर रहे अपनी खुशी के लिए, वो एकदम गलत है। तपो यज्ञ, हम लोग इतने आयु है ही नहीं हमारी कि हम लोग तपस्या कर सके। देखिए क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है इस कलयुग में। श्रीमद् भागवतम में बताया है, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज तो मुखे द्वापरे परिचायाम कलो यद हरि कीर्तनम। बोला गया है कि जब सतयुग था तो सतयुग में सतयुग की अवधि बहुत ज्यादा थी। कल हम लोग देखेंगे कि सतयुग की अवधि कितनी थी, तो सतयुग की अवधि सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो सतयुग की अवधि सबसे ज्यादा लंबी थी, तो उसमें जो रहने वाले लोग थे उनकी भी आयु बहुत ज्यादा थी, तो उनके लिए भगवान से जुड़ने का या यज्ञ करने का कौन सा यज्ञ बोला गया था, तपो यज्ञ। उसमें लोग तपस्या कर सकते थे, जैसे आपने देखा कि ध्रुव महाराज ने की तपस्या, हिरण्यकश्यपु ने की तपस्या, ये सब क्या था, उनके लिए संभव था क्योंकि उनकी आयु उतनी थी। हम लोग के लिए इस कलयुग में संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले ही स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि हमारी आयु क्या है। हम लोग पहले श्रीमद् भागवतम में बताया है ना हमारी आयु, हम लोग अल्प आयु है, बहुत कम है हमारी आयु, और धीरे धीरे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा हमारी आयु और कम होती है। तो हम लोग के लिए तपोयज्ञ संभव नहीं है। उसके बाद बोला त्रेतायाम ध्यायतो मुखे। त्रेता युग में क्या होता था, त्रेता युग में भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से कनेक्ट होने के लिए लोग क्या करते थे, द्रव्य यज्ञ करते थे, क्योंकि उसमें शुद्धता थी, उस समय पे सारी चीजें शुद्ध थी, तो आसान था उनके लिए, हमारे लिए असंभव है ये सब चीजों को शुद्ध, शुद्धता अभी तो है ही नहीं, सब कुछ मिलावटी है। उसके बाद बोला द्वापरे परिचार्यम। द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में सारे मंदिर बनाए गए और मंदिरों में विग्रह की सेवा करना स्टार्ट की, उससे भगवान के माध्यम, उससे भगवान से जुड़ने का प्रयास किया। तो जो द्वापरों में जो मंदिर अभी तक बने थे वही आज भी कलयुग में चल रहे आ रहे हैं, लेकिन जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा, ये सारे मंदिर जो है वो समाप्त होते जाएंगे। अभी आप देख ही रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे सब ध्वस्त होता जा रहा है, तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा ये मंदिर भी समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या रहेगा हमारे पास। तो बोला गया कलो तद हरि कीर्तनम। भगवान ने बोला है श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलो तद हरि कीर्तनम, इसे बोला है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो क्या है, भगवान का नाम हरि कीर्तन, और कुछ नहीं रहेगा। तो हमारा एक ही सहारा होगा, वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए भगवान
जो श्रीमद भागवतम में शास्त्रों में ये आता है कि कलयुग में हमें क्या करना है, कौन सा यज्ञ करना है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है। और यही चीज यहाँ भी बताइए, यहाँ बोला है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही समय देश, मतलब कि जो कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करेगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो ये किसके द्वारा है, ये सब श्रीमद् भागवतम के कोट है, जिससे कि हम लोग को पता चल रहा है कि हमें वास्तव में इस संसार में क्या करना है, कैसे हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। अब बात आती है, वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम है, लेकिन भगवान के कौन से नाम का हम लोग कीर्तन करें, कौन से नाम का हम लोग जप करें, तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में, कलि संस्करण उपनिषद में ब्रह्मा जी जो है, अब देखिए ब्रह्मा जी को हम लोग कैसे श्रेष्ठ मान रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चार मुख थे पहली बात। दूसरी बात यह है कि चार मुख यानी कि उनकी वो इतने बुद्धिमान है, हम एक मुख से इतने बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो चारों मुख से बुद्धिमान थे, क्योंकि वो वेदों के क्या थे, वेदों के ज्ञाता थे। और उन्होंने जब सारे शास्त्रों को पढ़ा, सारे वेदों को पढ़ा, तब उन्होंने उपनिषद में ब्रह्मा जी ने ये बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नामम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, कलयुग के सारे कलमशों का नाश करने वाला है, इति षोडश नाम नाम कलि कलमश नाशनम। और आगे क्या बोल रहे हैं, नाथ परतरोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते, वो बोल रहे हैं कि बेहतर, इससे बेहतर कोई उपाय है ही नहीं, सर्व वेदेशु दृश्यते, मैं सारे वेदों को देख चुका हूँ, सारे वेदों को पढ़ चुका हूँ, सारे कहीं पे भी इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और ये तो हो गया, ब्रह्मा जी की पुष्टि हो गई इसकी। और चैतन्य महाप्रभु जो खुद आए, हमें भगवान, भगवान ही है भगवान, तो किसके रूप में, वो श्रीमती राधा रानी के भाव में भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं आए, उन्होंने हमें क्या दिया, ये हरि नाम दिया है, वही हरि नाम का प्रचार करने के लिए आए थे इस युग में आए, जिससे कि हमें क्या, ये कलयुग, जिससे कि क्या हो सके, इस हरि नाम से कलयुग का कल्याण हो सके। इसलिए तो वो हर जगह पे जाके बोलते हैं कि आप सिर्फ हरे कृष्णा बोलो, अगर जो उनके लिए एक व्यक्ति भी अगर कोई हरे कृष्णा बोल देगा वो उनको भक्त घोषित कर देते थे। तो हम लोग के लिए इस संसार में क्या है, इस संसार में हमारे लिए क्या बोला गया है, हरि हरि नाम संकीर्तन। देखिए अगर हम लोग बोसाएं कि हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करें, बड़े बड़े कर्म कांड करें, उससे हम लोग नहीं इस संसार से छुटकारा पा सकते, क्योंकि हम लोग किसमें बंधे हुए हैं, हम लोग कर्मों के बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्मों के बंधन से हमें कौन निकालेगा, भक्ति निकालेगी। और भक्ति में, भक्ति क्या होती है, भक्ति होती है भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा करना। तो हम लोग जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब क्या है, भगवान की सेवा है। और ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शास्त्रों में एक चीज और लिखी है कि कालक्षेपो न कर्तव्यम क्षण मायु क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम। तो जो यमराज है उनके पास में कोई करुणा नहीं है, अगर आपका समय आएगा वो यमराज जी, आप यमराज महाराज आपको खींच के ले जाएंगे, लेकिन अगर आप हरि नाम का कीर्तन करेंगे, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि ये सब क्या है, ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। क्योंकि देखिए अब जो व्यक्ति अमेरिका में, उनको तो ये सब चीजें पता ही नहीं, भगवान कौन है, ठीक है, शास्त्र क्या होते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन जब प्रभुपाद जी गए तो उन्होंने ये मंत्र सबको बांटा, और जब हरिनाम सबको दिया तो सब शुद्ध हो गए। हाँ, तो हिप्पीज थे, लेकिन जैसे ही सबने ये मंत्र का उच्चारण किया, मंत्र जाप किया, कीर्तन किया, सेवा किया, प्रसाद खाना चालू किया, तो वो क्या, सारे शुद्ध हो गए और सारे भक्त बन गए और सारे सन्यासी हो गए। मतलब वो तो ये चीज को जानते ही नहीं थे, लेकिन ये हरिनाम का प्रभाव, और ये प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया प्रभुपाद जी ने। इसीलिए हम लोग को भी कोशिश करना है कि हम लोग भी इसको ट्राई करके, एटलीस्ट हम लोग इतनी सारी चीजें ट्राई करते हैं तो उसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इसे एक बार ट्राई करिए, बिल्कुल आपको ट्राई करने के बाद पता चलेगा आपका खुद का एक्सपीरियंस। तो आगे भगवान भी 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जो हरिनाम कीर्तन करता है वो यज्ञ में, तो जो शास्त्रों का ही उल्लेख है ये, तो हमारे लिए शास्त्रों में क्या बोला गया, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हम लोग को शास्त्रों को ही जो है फॉलो करना है, जो शास्त्र में बोला, अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, भगवान आगे क्या बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तदेव इतरो जना स स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो आगे आने वाले लोग भी जो है सामान्य लोग, तुम्हारा ही अनुसरण,
यानी अर्जुन अगर तुम भगवान यानी कि मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तो आगे आने वाले लोग भी तुमको फॉलो करेंगे कि हाँ अर्जुन ने तो नहीं मानी थी, मैं भी क्यों मानू, वो भी यही कार्य करेंगे। इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा रोल मॉडल बनो तुम लोगों के लिए, यानी कि अगर महापुरुष भी कोई है तो उसका आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति उसको फॉलो करे तो वो भी जो है वो तो प्रगति कर पाए। ऐसा नहीं कि महापुरुष गलत गलत आचरण कर रहे हैं, लोग आजकल आजकल देख ही रहे हैं कि किसी को भी लोग फॉलो कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे एक तरीके से हमको ये बता रहे हैं कि हम लोग को रोल मॉडल कैसे चुनना है, अपना आइडल कैसे चुनना है और उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान चुनना पड़ेगा। जैसे जो नेचुरल जो श्रेष्ठ होते हैं, जो नेचुरल श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ चार कैटेगरी दी है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि चार तरीके के ऐसे कैटेगरी है जिसमें कि जो हमेशा नेचुरली सर्वश्रेष्ठ होते हैं, महापुरुष होते हैं। कैसे? पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे माता पिता, पेरेंट्स, वो महापुरुष, वो श्रेष्ठ है। तो माता पिता का आचरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, माता पिता के बोलने से ज्यादा उनके एक्शन को जो है ज्यादा फॉलो करता है। तो जो जैसा करेगा बच्चा भी उसको जैसा सीख जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो समझदार परिवार में जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, कभी बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, वही एक्शन को अपने ऊपर कॉपी कर लेता है, वो अब सीख जाता है और फिर आगे जाके फिर वही वो भी क्या करता है, वही रिपीट करता है। तो पहली चीज, पहले ऐसे नेचुरल नहीं कि माता पिता को कैसा होना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि बच्चा जो है उनको रोल मॉडल बन के मान के आगे अपने कार्यों को सही कर सके। दूसरे होते गुरु। गुरु क्या है, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसको कि बच्चा फॉलो कर सके। जैसे आजकल आपने देखा होगा स्कूलों में, ठीक है, और बड़े बड़े कॉलेजों में जो भी है, सब में क्या होता है, गुरु ही जो है वो नशा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करेंगे, बच्चे भी यही करेंगे कि हाँ चलिए मैं तो जो है टीचर ही कर रहे हैं, तो हम लोग तो अभी है ही छोटे स्टूडेंट, उनके शिष्य हैं, तो हम भी वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। तो गुरु को बहुत ही सोच समझ के जो है आचरण करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु का क्या है, गुरु का क्या है, गुरु एक नेचुरली श्रेष्ठ है, उसको ही लोग फॉलो करेंगे। तो गुरु के आचरण ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे उनको क्या करें, सही तरीके से फॉलो कर सके और फिर जो उनको रोल मॉडल मान के जो है अपने आगे कार्य कर सके। उसके बाद आता है तीसरे, इस पे उच्च पद पर जो व्यक्ति होते हैं, उच्च पद पे व्यक्ति यानी कि जैसे कोई कमिश्नर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ कमिश्नर का, तो कमिश्नर है, तो अगर कमिश्नर करप्ट होगा तो उसके नीचे के जितने भी लोग होंगे वो भी यही सोचेंगे चलो कमिश्नर ही करप्ट है तो हम भी थोड़ा बहुत करप्शन कर लेते, थोड़ा बहुत घूसखोरी ले लेते। लेकिन अगर कमिश्नर स्ट्रिक्ट होगा तो लोगों को डर लगेगा कि नहीं यार अगर वो है तो हम लोग कहीं ना कहीं जो उसके नीचे जो ग्रेड के लोग होंगे उनको लगेगा कि नहीं अगर हमने किया तो कहीं उनको पता चल गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जो श्रेष्ठ होगा हमेशा उसको रोल मॉडल हम लोग बनाते हैं और वो उसका जो है आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामान्य व्यक्ति उसको अनुसरण कर सके, उसको फॉलो कर सके। इसलिए अर्जुन को यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि तुम रोल मॉडल बनो, तुम लोगों को जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य योद्धा होंगे वो तुमको फॉलो कर सके कि आगे जाके जब उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो तो वो तुम्हारा ही अनुसरण करें, तुम्हारे को ही फॉलो करें, ना कि तुम जैसे कर तुम अगर अभी युद्ध छोड़ दोगे तो वो तुमको फिर फॉलो करके क्या करेंगे, वो भी आगे जाके इसी गलती को दोहराएंगे। तो जैसे आजकल हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बच्चे ही हैं बहुत सारे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब क्या बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस सबको क्या मान लेते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं, उस तरीके से कार्य करते हैं। तो हम लोग को पहले ही बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि उनके आचरण कैसे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान से पता चलेगा, ये हमें कौन बताएगा, शास्त्र बताएंगे कि कैसे आचरण, गुरु के आचरण कैसे होने चाहिए, जो रोल मॉडल होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके आचरण कैसे होने चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा हमें, भगवद गीता से मिलेगा। और हमें कहाँ से पता चलेगा, ये सारे शास्त्रों से हमें पता चलेगा। तो इसलिए हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है और ये चीजों को अपने जीवन में उतारना है। अभी आगे देखते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार अभिमूढ आत्मा कर्ताराम अपि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मुग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम लोगों को लगता है कि हम ही हैं इस संसार में, जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं।
हम लोग को क्या लगता है कि और कोई नहीं है, जो भी कार्य हो रहा है, जो कार्य का फल जो मिल रहा है वो सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, और जो भी कार्य इस संसार में किए जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे द्वारा यानी कि जीवात्मा के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, प्रकृति के जो तीन गुण है वास्तव में वो कार्य कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, तीन तीन स्टेज है, ठीक है। एक तो सोल है यानी कि हम लोग, इसके ऊपर आता है मटेरियल नेचर यानी प्रकृति, और इसके ऊपर होता है भगवान सुपर सोल परमात्मा। तो तीनों में तीनों ही करता है, तीनों ही कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अहंकार में, अहंकार विमूढ आत्मा, हम लोग को इतना अहंकार, इतना ईगो आ जाता है अपने अंदर कि हम लोग क्या समझ लेते हैं कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, और वो अहंकार हमें क्या कर देता है, हमारी पतन की ओर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लेता है किसी के साथ अगर गलत हुआ और उसने ये मान लिया कि हाँ ये तो मेरी वजह से हुआ है, वो क्या करेगा, कोई गलत कदम उठा के या तो सुसाइड कर लेता है या फिर अपने आप को तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि वो अकेला डूअर नहीं है, इसमें उसका क्या है, मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर यानी कि उस जो गुण है, जिस गुण में वो है। अब देखेंगे हम लोग कि ये तीन गुण कौन से होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। वो जिस गुण में होगा वो गुण उससे वो कार्य करा देता है, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कर्मा है। जैसे हमारे पुराने कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रारब्ध झेलने पड़ेंगे। तो यही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और हम वो कार्य कर देते हैं, और हमको लगता है कि हाँ ये किसने किया, मैंने किया। लेकिन इससे इन दोनों से ऊपर क्या है, इन दोनों से ऊपर सुपर सोल यानी कि परमात्मा। परमात्मा क्या करता है, परमात्मा अप्रूव करता है। तो अप्रूव क्यों करता, अप्रूव वो कब करेंगे, जो हमारे कर्मों में, हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमको ये कार्य करना है, तो वो हमारे कर्मों के आधार पर फिर ये देखा जाता है कि हाँ हमारे कर्म जो मैंने पिछले कर्म किए वो उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हमें नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कर लेते वो अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे फल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच लिए कि हमने हमें अच्छा करना है तो हमारे साथ अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा भी इसके ऊपर यानी कि ये जो गुण है प्रकृति के, ये हमारे से ऊपर है, और इससे ऊपर है कौन, भगवान। तो हमें ये कभी नहीं मानना चाहिए कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, यानी कि मैं भी उसमें एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसके द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आगे भी बहुत बार हम यूज करेंगे। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी मतलब क्या है कि वृष्णि जो होते हैं वृष्णि कुल के हैं भगवान, ठीक है, इसलिए उनको वृष्णिवंशी बोला जाता है। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो ये देखिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग को गुस्सा नहीं करना है, हम लोग को कभी कुछ गलत कार्य नहीं करना, लेकिन फिर भी जो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमसे करवा रहा है, आसपास के लोग हमें जो है इतना प्रवोक कर रहे हैं, इतना परेशान कर दे रहे हैं कि हमसे वो गलत कार्य हो गया, हमसे वो पाप कार्य हो गए। तो ऐसा होता है क्या, यही बता, यही पूछा है भगवान ने कि मैं, हम लोग तो कभी नहीं चाहते हैं गलत कार्य करना, लेकिन पाप कर्म हमसे फिर भी हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक हमसे करा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, वो कौन है जो हमसे करा रहा है जो बलपूर्वक कार्य। तो भगवान देखिए उसका उत्तर दे रहे हैं। शिव भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनम वैरिणाम। भगवान बोल रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, यानी कि लस्ट, जो डिजायर है, हमारी बुरे बुरी इच्छा है, जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है यानी एंगर, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये दोनों ही क्या है, इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। कौन, सबसे पहले काम, काम की वजह से ही हमारे अंदर जो है क्या आता है, क्रोध आता है। बुरी इच्छाएं जब हमारे अंदर आती है तभी हमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो क्रोध में कन्वर्ट। कल हमने देखा था 9 अवस्थाएं देखी थी पतन होने की, ठीक है। पहला तो ध्यायतो यानी ध्यान लगाना, फिर अटैचमेंट, उसके बाद आता है लस्ट, उसके बाद एंगर, उसके बाद सम्मोहन, उसके बाद आता है हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर अंत में हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है और हमारा पतन हो जाता है। तो किसके कारण से हम लोग कार्य करते, किसके कारण से हमारे साथ में पाप होते हैं, हम लोग क्यों पाप कर्मों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं समाप्ति नहीं होती है, और उसको हम लोग पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और वो अगर पूरी नहीं होती तो उसके कारण से हमें क्रोध आता है, और जब क्रोध आ जाता है तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं और उसी के कारण से पाप कर बैठते हैं। तो ये दोनों हमारे अंदर क्या है, पापी शत्रु है, इसको ही हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। आगे बताते हैं कि क्यों हम लोग इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि अगर सपोज मान लिया कोई व्यक्ति 1 महीने से जो है हरे ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों,
तो भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, इसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से प्रवृत्त आवृत रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ आप देखिए कि जब आग जलती है तो उसमें क्या होता है, जो आग होती है वो क्या है, जो जो आग की जो लपटें होती है वो धुएं से पूरी ढक जाती है। वैसे ही अगर आप कहीं घूमने चले जाओ तो आपके यहाँ पे जो कांच है, जो दर्पण है, उस पर इतनी धूल जम जाएगी कि आप जब लौट के आओगे तो आप अपना चेहरा नहीं देखो। वैसे ही जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो बच्चा, वो पूरा किससे ढका हुआ होता है, पूरे गर्भाशय से ढका हुआ आवृत होता है, आवृत यानी ढका हुआ। तो अभी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो आत्मा है उस पर भी क्या है, जो काम है यानी कि पूरी इच्छाओं की जो परतें हैं, कई मात्राओं में जो है वो हमारे को ढक रखी है, कई मात्राओं, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से घूम फिर के यहाँ आए हैं, तो हमने कितने पाप कर्म किए हमें नहीं पता। उन सब की जो लेयर है, उस काम की जो लेयर है, वो हमारे ऊपर ढकी हुई है। अब आप देखा होगा कि जैसे अगर कोई कांच में अगर धूल जम जाती है तो आप उसको कितना भी उसे झाड़ू से या फिर किसी कपड़े से साफ करो नहीं निकलेगा, उस पर पानी आपको मारना होता है तब वो साफ होता है, तो बहुत प्रयास करना होता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोग को ये क्या है, काम की परत को जो है धीरे धीरे साफ करना है। और वो कैसे होगी, वो होगी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से। जब हम लोग लगातार भगवान का नाम का जप करते रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के कार्यो भक्तिमय कार्य करेंगे यानी कि कर्म योग करेंगे, तब हम लोग के ऊपर से धीरे 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 एक एक परत निकलती जाएगी। इसलिए लोगों को क्या है, कुछ लोगों को क्या है बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार हो जाता है, कुछ लोगों को कई साल लग जाते हैं, सालों साल, या तो फिर अगला जन्म भी लग जाता है कि उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर काम की लेयर ढकी हुई है, उसके सोल हजारों करोड़ों जो है परतें जो है वो क्या कर रखी है, ढक रखी है, तो इतना आसानी से हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या है, कभी भी इस कार्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग शुद्ध हो रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन हम लोग शुद्ध हो रहे हैं, एक एक परत निकलते जा रही है। वो जैसे जैसे पूरी परतें सारी साफ हो जाएगी, तब हमारा मन जो है हमारा शांत हो जाएगा, हमारा जो है सोल जो है प्योर हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है पूरी तरीके से भगवान में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, भक्ति में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। अब भगवान बता रहे हैं कि इसको कैसे निकालें, तो निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो रहते कहाँ है। जैसे अगर कोई आर्मी है, आर्मी जैसे आर्मी को अगर पता चल जाए कि टेररिस्ट कहाँ छुपे हैं तो आसानी से जाके उनको मार गिराए, तो वैसे ही है ये, एक तरीके से क्या है, टेररिस्ट है हमारे अंदर शरीर में, कौन, काम। लेकिन हम लोग पता होना चाहिए रहता कहाँ है, तभी तो हम लोग उसको निकाल पाएंगे, तभी तो हम लोग इसको जीत पाएंगे इससे। तो यहाँ बता रहे भगवान, इंद्रियाणि मन और बुद्धि यातिष्ठायम उच्यते एतेर विमोहि यत्येष ज्ञानवामृत्य देहिनम। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान, कहाँ रहता है ये काम, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। देखिये प्रभुपाद जी यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि जो मन है और इंद्रियां और जो बुद्धि है, ये कैसे कैसे हमारे अंदर बसे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कि ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर रहता है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। तो जितनी भी इंद्रियां, इंद्रियां कौन कौन सी है आगे मैं बताऊंगा आपको, इसके आने वाली स्लाइड में है कि हमारी 5 इंद्रियां है। 5 इंद्रियों के कार्य को कौन कंट्रोल कर रहा है, मन। और इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते ही मन क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति में यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन में हम लोग को इस इंद्रियों को सुख देने के लिए वो कार्य करने लगता है, वैसे ही हमको डायरेक्शन देता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है, और जब हमारे अंदर बुरी इच्छाएं आती है तो मन हमें से वही कार्य कराता है, तो वो इंद्रियों से वही कार्य कराता है जो उसको करवाने होते हैं, उसके अंदर जो इच्छाएं आती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, और मन से ऊपर आता है बुद्धि, तो जैसा मन खराब होगा बुद्धि भी वैसी ही हमारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे नजदीक में, और बुद्धि के सबसे नजदीक कौन है और ऊपर, वो है आत्मा। और जब बुद्धि हमारी खराब होती है तो आत्मा हमारी क्या है, फिर वो भी उसका भी पतन होने लगता है। तो आत्मा जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग को जब शरीर मिलता है ना, जैसे हम लोग आत्मा है, आत्मा को जैसे ही उसकी इच्छा से जब शरीर मिलता है, तो जब वो शरीर को जब प्राप्त कर लेती है तो उसको क्या लगता है कि वो आत्मा नहीं है, वो शरीर है, आत्मा को ये लगने लगता है, और वो अपने आप को ये मान लेती है कि मैं शरीर हूँ, और भोग करने लगती है, जो भी सांसारिक भोग है उसमें लग जाती है। और जब वो इंद्रियों को भोग करने में लग जाती है तो क्या लगता है, उसको लगता है कि यही वास्तविक सुख है, इसके अलावा और कोई सुख है ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये हमें कौन कौन देता है, ये हमारे अंदर की इच्छाएं पैदा करती है, हमारे अंदर की जो बुरी इच्छाएं काम है, जो ये हमारे क्या है शत्रु है, ये हमारे को क्या करता है, इस शरीर से बांध देता है। इसलिए हम लोग इस संसार में इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम लोग इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, और हम अपना वास्तविक जो
कार्य है वो भूल जाते हैं, वास्तविकता में हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि हम कौन है। अब भगवान बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कि ये रथ जो है एक तरीके से किसके समान है, ये शरीर है, शरीर में 5 इंद्रियां हैं, कौन सी, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, मन, यानी कि 5 घोड़ों के समान है 5 इंद्रियां, ठीक है। घोड़ों के समान क्यों है, क्योंकि घोड़े कभी भी शांत नहीं बैठते, हमेशा कभी ना कभी भागते रहते इधर उधर, तो हमारी इंद्रियां भी हमेशा इधर से उधर भागती रहती है। इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, मन, क्योंकि लगाम इनकी किसके हाथ में है, लगाम क्या है, मन है, और मन ये जो लगाम है किसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है। और इस बुद्धि पे, इस पूरे रथ पे कौन बैठा हुआ है, आत्मा, यानी कि हम बैठे हुए, तो इस पूरे शरीर में हम है, जिस जो कि जिसको कि हम लोगों को क्या है, बचाए रखना है, इसको शुद्ध रखना है। इसको शुद्ध रखने के लिए हमें क्या है, इन इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। और इंद्रियों को हमने कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, भगवान की सेवा में लगा के। अगर आंख जैसे आंखों से हम क्या कर सकते हैं, भगवान का दर्शन करें, ठीक है, कोई गलत चीज ना देखे, देखे दिखती है लेकिन उस पर ध्यान न लगाए, ठीक है, ध्याय तो विषय पुंसा, उससे हम लोग बचे। नाक है तो हम लोग जो भगवान के चरण कमलों में जो फूल होते हैं उनको हम लोग सूंघने का प्रयास करें, ठीक है, जो भी। उसके बाद कान है, कान से हम लोग भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम का जो है सुने उसको, ठीक है। ज्ञान है, त्वचा से हम लोग जो है स्पर्श कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं उसमें। जिह्वा में हम लोग प्रसाद खा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इनको कंट्रोल करने का प्रयास करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन क्या करेगा, इनको कंट्रोल कर पाएगा। मन हमारा जब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब इनको कंट्रोल कर लेंगे तो बुद्धि के स्तर पर हम लोग जो है सोचने लगेंगे, बुद्धि के स्तर पर हम लोग आ जाएंगे। और जब बुद्धि के स्तर पर हम लोग सोचेंगे, बुद्धि के स्तर से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध होने लगेगी। तो ये चीज इस तरीके से हमारी काम करती है हमारे शरीर के अंदर। तो हम क्या है, व्यक्ति क्या है करता है इस संसार में, देही किस तरह, यानी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सोचता है। पहले तो सिर्फ देही किस तरह तक सोचता है, वो सोचता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, और वो भोग करता है, ठीक है, बढ़िया एंजॉय करता है, पार्टियों में जाता है, अपने को जो शरीर को लगता है वो करता है। फिर इससे जब वो ऊपर उठता है तो सेंसुअल प्लेटफॉर्म यानी इंद्रिय स्तर, तब उसको एहसास होने लगता है कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अभी तक भी समझ नहीं पाया, तब वो धीरे धीरे मानसिक स्तर पे आता है, तब उसको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो बुद्धि योग में आ जाता है। और जब वो और ऊपर उठने का कोशिश करता है तब वो किससे, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि प्रज्ञात्मक स्तर पर सोचने लगता है। और तब उसको ये पता चल जाता है कि ये जो संसार है ये क्या है, ये दुखालय है, शाश्वतम है। इसमें क्या होगा कि सारी चीजें हम लोग को क्या करती है, अटैच, अट्रैक्ट करती है। तो ये हम लोग को इसमें अटैच नहीं होना है, इस संसार से, भौतिक संसार से। हमारा वास्तविक मूल क्या है, भगवान की सेवा। और जब ये सोच के वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है तो वो आनंद का अनुभव करता है। तो आनंदमय कोष होता है एक तरीके से, ये अलग अलग स्तर है किसके, कॉन्शियसनेस के, ठीक है, चेतना के अलग अलग स्तर है। तो जब कोई आध्यात्मिक स्तर की चेतना को डेवलप कर लेता है तो वो क्या है, फिर इस भौतिक संसार में रहते हुए भी प्रसन्नचित रह सकता है, जैसे भक्त है। अब भगवान बता रहे हैं हमको कि कैसे हम लोग इसको, इस काम रूपी शत्रु को जो है हरा सकते हैं। तो बता रहे हैं कि इसलिए है भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान से और आत्म साक्षात्कार से इसका क्या करो, वध करो, इसको समाप्त करो। ज्ञान कैसा, ज्ञान ऐसा जिससे कि हम लोग को ये पता चले कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस स्तर तक हम लोग जाए जिससे कि हमें आत्म साक्षात्कार होगा। और ये सब कब संभव है, ये संभव है इस प्रकार है महाबाहु, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूजे शत्रु को जीतो। कब संभव है ऐसा, आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचना, तब जब हम अपने मन और बुद्धि को कहाँ लगाएंगे, भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक बुद्धि में लगाएंगे। जब हम लोग आध्यात्मिक बुद्धि में यानी कि कर्म योग में अपने से अपने इन मन और बुद्धि इंद्रियों को लगाएंगे, भौतिक इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तो इनमें ही काम रहता है। अगर हम लोग इन्हीं को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो काम जो है हमारा जो है धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। जो हमारे ऊपर जो लेयर जमी हुई है वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हमें रखना है पेशेंस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज करने लगे और कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पता नहीं कितने बुरे कर्म है, हम लोगों को नहीं पता, इसलिए हमें धीरे धीरे उसको साफ करना पड़े। तो ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। भगवान ने क्या बताया, देखिए वैराग्य कर्म में भगवान बोलते हैं कि कर्म जो है श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म योग जो है ज्यादा श्रेष्ठ है, किससे, ज्ञान योग से। उसमें फिर भगवान बताते हैं कर्म कांड से कर्म योग के बारे में, बताया कि कर्म योग ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कर्म कांड से।
उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि रोल मॉडल बनो, फिर अंत में बताए कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु कौन है उसके बारे में बताया और उसको कैसे हम लोग जीत सकते हैं उसके बारे में हम लोग को बताया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद गीता यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य तक मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो निर्विशेष शून्यवाद मतलब वो कि जो भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे लोग कभी भी प्रगति नहीं कर सकते भक्ति मार्ग में। तो हम लोग इसको त्याग के, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसको त्याग के हम लोग को कहाँ जाना है, अपने मन को भगवान की सेवा में लगा के आगे बढ़ना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित हो, अहंकार की वजह से प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु बन जाती है। तो अहंकार बस हम जो है फिर क्या है पतन होने लगता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि को नियंत्रण में लग सकता है। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या है कि भगवान की सेवा करना, यानी कि कैसे सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना। जब हम लोग जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, ये सब करेंगे, इन चीज सारी भगवान की सेवा में लगेंगे तो क्या होगा, इंद्रियो मन और बुद्धि हमारी नियंत्रण में आ जाएगी। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं बस उसको क्या करना है, भगवान को, भगवान की सेवा में जोड़ना है। भगवान से कैसे जोड़ना है ये आपको डिसाइड करना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से, इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने से सहायता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, ये छठे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि ये योगासन और दार्शनिक चिंतन से क्यों नहीं मिल पाता। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि के स्तर को बढ़ाना है। हमें इस भगवद गीता जितनी ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी बुद्धि जो और ज्यादा विकसित होगी और हम लोग आसानी से जो है इन इस जो शत्रु है उसको हम लोग जीत जाएंगे काम। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।